किरण माहेश्वरी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टी टाइम स्लाइस केक। टी टाइम स्लाइस केक बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ। मैदा, चीनी, दूध, तेल, कॉर्नफ्लोर। अब आप एक मिक्सिंग बाउल लें, उसके ऊपर स्ट्रेनर लगा लें, उसमें 1.5 कप मैदा डाल दें, मैदे को छान लें। अब आप इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दें। थ्री फोर्थ कप शक्कर डाल दें, इसे भी आप छान लें। अब आप इसमें 1 टेबल स्पून मीठा सोडा डाल दें और 1 टेबल स्पून ही बेकिंग पाउडर डालें। एक पिंच जितना नमक डालें और इसे भी छान लें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब सबसे पहले हम बेकिंग की तैयारी करेंगे। आप एक कढ़ाई ले लें, उसमें हल्का सा नमक डाल दें और नमक को अच्छे से फैला दें। इसमें कोई भी एक स्टैंड रख दें और इसे कवर कर दें। 8 से 10 मिनट के लिए इसे फुल फ्लेम पे प्रीहीट होने दें। अब आप जिसमें केक बनाना चाहते हैं वो टिन ले लें। मैं स्लाइस केक बना रही हूँ इसलिए ये ले रही हूँ। इसमें आप हल्का सा ऑयल लगा दें। मैंने पूरे केक टिन में ऑयल लगा लिया है। अब आप इसमें बटर पेपर लगा दें। नीचे ऑयल लगाने से बटर पेपर फिक्स हो जाता है। अब आप इसे हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर दें। तैयार टिन को आप साइड में रख दें। अब आप इसमें 50 से 60 ग्राम ऑयल डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालें। मैंने 150 ग्राम दूध लिया, एक साथ बिल्कुल भी ना डालें और इसे मिक्स करते जाएं। मैंने दूध को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसे ना तो ज्यादा पतला रखें ना ही ज्यादा गाढ़ा रखें, बस ये रिबन की तरह गिरना चाहिए। अब आप इसमें 1 चम्मच वेनिला एसेंस डाल दें। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। लास्ट में इसमें आप 1 चम्मच विनेगर डालें। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। विनेगर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं इसे 2 कलर में बना रही हूं। आप एक बाउल लें, उसमें आधा इसमें डाल दें इसमें 2 चम्मच कोको पाउडर डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। कोको पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आप तैयार केक टिन लें। इसमें पहले चॉकलेट वाला मिश्रण डालें। इसे अच्छे से फैला दें। मैंने चॉकलेट वाले मिश्रण को अच्छे से फैला दिया है। अब आप इसके ऊपर वेनिला वाला डालें। और इसे भी अच्छे से फैला दें।
मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है। अब आप इसे टैप कर दें। कढ़ाई भी प्रीहीट हो चुकी है, ढक्कन को आप ध्यान से उतारें। अब केक टिन को आप इस पे रख दें और इसे फिर से कवर कर दें और इसे लो टू मीडियम आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए बनने दें। स्लाइस केक को बनते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अच्छे से बेक हो चुका है, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। आप एक टूथपिक ले लें, देखिए बिल्कुल क्लीन आ रहा है, इसका मतलब ये बन चुका है। इसे आप बाहर निकाल लें। और इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। स्लाइस केक ठंडा हो चुका है, अब मैं आपको डीमोल्ड करके बताती हूँ। आप साइड से बटर पेपर को उठा लें और इसे बाहर निकाल लें। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। आप नाइफ ले लें, बहुत ही सॉफ्ट केक बनता है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। देखिए एकदम स्पंज केक बनकर रेडी हुआ है। आप भी बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें।